और दो फरिश्ते आते हैं उसके पास और पूछते हैं, उसके साथ बैठते हैं और पूछते हैं, मन रब बता तेरा रब कौन था और कौन है। फयकुलू हा हा ला अदरी, हाय मेरी बदबख्ती, हाय मेरी बदबख्ती, ला अदरी, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। फयकुलान लहुमा दीनुक, तेरा दीन क्या था? वो कहेगा फयकुल हा हा ला अदरी, हाय मेरी बदबख्ती, हाय मेरी बदबख्ती, मेरा दीन ही नहीं मुझे पता क्या था। फयकुलान लहुमा हाजर रजुल वल्लजी बुइस फीकुम, ये हजरत कौन थे जो तुम्हारे में भेजे गए थे? फयकुल हा हा ला अदरी, हाँ कुछ सुना था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, मैं नहीं जानता। आसमानों से आवाज आ जाएगी उसके लिए कि ये झूठा है, इसकी कब्र को आग से सजा दो, जहन्नम के दरवाजे खोल दो और आने दो उसमें से उन गर्म हवाओं को और उस भाप को और उस गर्माइश को, ताकि इसे एहसास हो कि किस दुनिया में ये जा रहा है, और इसकी कब्र को तंग कर दो इस हद तक कि इसकी पसलियों की हड्डियां आपस में क्रश ना हो जाए। और फिर वह आती ही रजुल, और एक बंदा आता है उस लम्हे, खबीस शक्ल वाला, गंदी बदबू वाला, मैं तुझे खुशखबरी देता हूं कि तूने आज के इस दिन को अपने ऊपर अजाब बना लिया है जिसका तुझसे वादा किया गया था। फयकुल मनंत, तो वो उस तकलीफ के आलम में जब उसे लोहे के गर्जों से फरिश्ते मार रहे होंगे, बिजलियों जैसी कड़कती आवाजों से सवालात किए जाएंगे, बिच्छू और सांप उसे डस रहे होंगे जिसका हजारों सालों तक का असर शायद उसके जिस्म के अंदर रज बस के उसको मारेगा, कब्र तंग की जाएगी, हड्डियां तोड़ दी जाएंगी, अंधेरे छा जाएंगे, उम्मीद खत्म हो जाएगी। इस आलम के अंदर उससे पूछा, जब वो पूछेगा उस शख्स से तू कौन, तो वो कहेगा मैं तेरी दुनिया की गंदी खबीस आमाल हूं। कहेगा अल्लाह अगर ये मेरी परफॉर्मेंस है, अल्लाह क़यामत कायम ना करे। ऐ मुसलमानों, अपने इख्तिताम को सोचो, ये दिखाया नहीं जा सकता, ये सिर्फ समझाया जा सकता है। ईमान इसी चीज का नाम है, अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब, या गैब है ये, तो जिस दिन पर्दे उठ गए उस दिन तो कहानी खत्म हो जाएगी। ये मौत इंसान की फलाह होगी या उसकी बर्बादी के सफर की इब्तिदा। इसीलिए सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अपनी जिंदगियों को अल्लाह के दीन पर गामजन की एस्टैब्लिश किया इसको अपने अंदर, वो सिर्फ इन हौलनाकियों से डरते थे, आखरत की तकलीफ को कहते थे अल्लाह वहां पर ना नहीं यहां पे। Give us in this world Allah, but not in the akhirah. हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से लोग कहते थे कि जब जन्नत जहन्नम का जिक्र किया जाता है तो आप पर उसकी तो कैफियत तारी होती है, लेकिन जब कब्र का जिक्र किया जाता है और मौत का जिक्र किया जाता है तो आप बहुत रोते हैं, सत्ता कि आपकी दाढ़ी भीग जाती है। तो ये अलमिया क्यों? तो उन्होंने कहा कि अलकब्र अव्वल मनाज़िल अल-आखिरा, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जो इससे निजात पा गया आगे सब आसान है, और जिसकी यहाँ पे शिद्दत हो गई, तकलीफ हो गई, सख्त मरहला हो गया, तो आगे इससे भी ज़्यादा सख्त है।